हाउ टू रिसेट फोन पे यूपीआई आईडी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो फोन पे एप्लीकेशन से जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फोन पे एप्लीकेशन में मौजूद यूपीआई आईडी को किस तरह रिसेट कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, कि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो लाता रहता हूं जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से काफी लोग फोन पे का यूज जरूर करते होंगे और आजकल तो लगभग हर कोई फोन पे का इस्तेमाल करता ही है। फोन पे से जुड़े काफी वीडियो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर भी चुका हूँ, लेकिन फोन पे के अंदर कुछ न कुछ समस्याएं हम लोगों को आती रहती है। मेरे पास काफी कॉल आती हैं और मैं उन्हीं टॉपिक को लेकर वीडियो बनाता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को मुझे फोन करने की जरूरत ना पड़े, आप केवल मेरा वीडियो देखने के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर पाए। तो आजकल जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना फोन पे यूपीआई आईडी को रिसेट नहीं कर पा रहे, या उनको मालूम ही नहीं कहाँ से रिसेट करना है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ही आपको फोन पे यूपीआई आईडी का रिसेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप बहुत ही आराम से अपनी फोन पे यूपीआई आईडी को रिसेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाने के लिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप फोन पे यूपीआई आईडी को किस तरह रिसेट कर सकते हो। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से फोन पे अपनी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। फोन पे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस आता है। सबसे नीचे आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है माई मनी का, जो कि है एप्स के बराबर में। तो आप सीधा माई मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। माई मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है बैंक अकाउंट को, आपको यहाँ क्लिक करना है। तो मैं सीधा बैंक अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने वो बैंक आ जाते हैं जो आपने इसमें लिंक कर रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ दो बैंक ऐड हो रखे हैं, एक मेरा कोडेक का बैंक ऐड हो रखा है, एक मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक वाला बैंक ऐड हो रखा है। अब सपोज करिए मुझे इसमें से पेटीएम पेमेंट बैंक वाले बैंक की यूपीआई आईडी को रिसेट करना है। काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो अपनी यूपीआई आईडी तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहती, तो ऐसे में वो अपनी यूपीआई आईडी को रिसेट कर सकते हैं। रिसेट करने के लिए नॉर्मल आपको देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है रिसेट भीम यूपीआई पिन, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से रिसेट भीम यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सीधा रिसेट पिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया। आप देखिए ये हमसे डेबिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है कि आपको यहाँ अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट डालने और उसकी वैलिड डेट डालनी। तो जो भी आपके पास डेबिट कार्ड है, आपने भले ही इसमें कोई सा भी बैंक ऐड कर रखा है, वो डिटेल आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। तो यहाँ मैं अपनी पेटीएम पेमेंट बैंक का जो मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं उसकी डिटेल डाल के सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ मैंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड की डिटेल यहाँ डाल ली है। मैंने लास्ट के 6 नंबर डाले हैं जो कि मेरे डेबिट कार्ड में दिए गए हैं, और उसकी जो वैलिड डेट है वो डाली है। अब मैं सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ओटीपी का मैसेज आता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही वो ओटीपी यहाँ वेरीफाई होगा, उसके बाद आप अपना यूपीआई आईडी सेट कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरे इसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आते ही हम अपना यूपीआई आईडी रिसेट करेंगे। ये देखिए यहाँ मेरा ओटीपी डिटेक्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से अपना यूपीआई आईडी सेट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अपना यूपीआई आईडी लिख दिया है, 4 नंबर का यूपीआई आईडी होता है, हो सकता है आपके में 6 नंबर दिखाए, तो हर बैंक का ये अलग अलग यूपीआई आईडी दिखाता है। तो यहाँ मैंने अपना यूपीआई आईडी डाल लिया है। अब मैं सीधा यहाँ टिक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे अपना ये यूपीआई पिन दोबारा से कन्फर्म करना होगा। जो मैंने पहले यूपीआई पिन डाला है, वो मैंने सेम वही पिन मैंने यहाँ दोबारा से लिखा है। अब मैं सीधा टिक मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा जो भीम यूपीआई पिन है सक्सेसफुली सेट हो गया है। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उनको समझ नहीं आता था कि वो किस तरह अपना फोन पे का भीम का जो यूपीआई है वो किस तरह सेट करें। तो मेरी वीडियो के माध्यम से वो बहुत ही आराम से समझ गए होंगे कि वो फोन पे एप्लीकेशन के अंदर भीम यूपीआई को किस तरह सेट करें। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से बैक आ रहा हूँ। मैं सीधा होम पे क्लिक कर रहा हूँ। जब आप अपनी फोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको यहाँ माई मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और जो भी आपको रिसेट करना है, जिसका भी मतलब पिन रिसेट करना है, आपको रिसेट
भीम यूपीआई पिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सीधा अपने डेबिट कार्ड की डिटेल फिलअप कर देनी है, और जो उसकी वैलिड डेट है आपको वो लिखनी है, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप अपना यूपीआई पिन बहुत ही आराम से सेट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है फोन पे यूपीआई पिन क्रिएट करने में या रिसेट करने में, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है आप मुझे फोन करके मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपका यूपीआई पिन रिसेट करने में। जो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।